बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो लेके आज आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से, जो भाई नए आए हैं मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है जी, इस वीडियो का टॉपिक ब्रीडिंग के ऊपर ही है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी एज होती है जिसमें आप असील मुर्गों का पेयर लगा सकते हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों ब्रीडिंग के मुतालिक बहुत से लोगों की बहुत सी राय हैं, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं बात वही करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको ब्रीड के लिए कौन सी एज का मुर्गा चाहिए और कौन सी एज की मुर्गी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जी, एज क्या होती है एग स्टार्ट करने की मुर्गी या मुर्गे की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम असील मुर्गियों की बात करें तो वो कम से कम 7 महीने के बाद, जो एक असील मुर्गी होती है अगर उसकी आपने बड़ी अच्छी ग्रोथ की है तो वो 7 महीने की जब होती है उसके बाद ही वो एग पे आना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह मुर्गा भी अगर आप उसको लगा देते हैं तो जिस तरह ही वो 9 मंथ उसकी एज होती है उसके बाद वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। तो अब दोस्तों बात यह है कि क्या हमें जो अपने लिए अच्छे जो शौकीन होते हैं या जो भी बंदा अच्छा शो करना चाहता है, तो क्या हमें इस एज के मुर्गों या मुर्गियों से ब्रीड लेनी चाहिए? क्या इसके बच्चे अच्छे बनते हैं? क्या इन बच्चे मज़बूत बनते हैं या नहीं बनते? तो इसके ऊपर ही हम आज बात करेंगे। तो अभी प्रॉपर वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं जी कि एज के हिसाब से कौन सा मुर्गा और मुर्गी आपको सिलेक्ट करने चाहिए कि वो आपको अच्छी ब्रीड दे सके। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको एज का बताऊंगा वो ये है कि जी, जो कम से कम जो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी ब्रीड आए, मज़बूत मुर्गे आएँ, मज़बूत चूज़े आएँ, तो आप कम से कम 2 साल का मुर्गा और 1.5 साल की जो मुर्गी है वो आप लगाएं। मुर्गी चाहे बड़ी भी हो जाए, 1.5 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर का भी मुर्गों के भी, मैंने बड़ी एज वाले मुर्गों के भी बहुत से बच्चे मैंने निकलवाए। इसमें दोस्तों मसले जो आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मसले ये आते हैं कि दोस्तों मैंने बड़ी एज वाले मुर्गों के भी बच्चे निकलवाए, उनके जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनका जो सिस्टम होता है ना बर्दाश्त का, वो छोटे एज वाले मुर्गों से ज़्यादा मज़बूत होता है। मतलब ये कि उनके जो चूज़े होते हैं ना उनके मरने की रेशो बहुत ज़्यादा कम होती है जो बड़ी एज वाले मुर्गे होते हैं। इसी तरह अगर छोटी एज वाले मुर्गे आप लगाते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो मतलब मेरा ये है कि जो लोग छोटे मुर्गे, मतलब कि आप 8 महीने 9 महीने का मुर्गा अगर आप लगा देते हैं, वो पट्टा होता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा मज़बूत नहीं बनते, उनकी क्या कहते हैं कि मरने की रेशो भी वो आपके पास बहुत ज़्यादा आती है। इसी तरह अगर जो पक्का मुर्गा लगाते हैं उनके ऊपर जो बीमारियाँ होती हैं वो भी इतनी जल्दी असर नहीं करती चूज़ों के ऊपर, वो उनकी जो ब्लड लाइन होती है वो मज़बूत होती है मुर्गा मुर्गी की भी, वो इसी तरह वो बच्चे भी मज़बूत होते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो आप छोटी एज के मुर्गा मुर्गी लगाएंगे तो वो जो पट्ठे बनेंगे उनकी जो हड्डी होगी दोस्तों वो छोटी बारीक हड्डी होगी, उनकी जो नोकें होंगी, नोक होगी, वो बहुत जल्दी टूटने का चांस होता है। इसी तरह उनके जो कील होते हैं वो भी इतने मज़बूत नहीं निकलते। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिससे आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस तरह ज़्यादा मुफीद भी नहीं होता कि छोटी एज की उम्र को आप ब्रीडिंग में लगाएं। तो दोस्तों उसके अलावा अगर आप चाहते हैं जी कि हमारे पास बहुत अच्छा मुर्गा है जी, हम इसकी ब्रीड सेफ़ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं जी कि हमारे पास ये मुर्गा सेफ़ हो जाए, इसकी हम नस्ल आगे बढ़ा सकें, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, अगर तो आपके पास मुर्गा छोटी उम्र का है तो आपने उसके साथ जो मुर्गी लगानी है वो बड़ी एज की लगाएं। मतलब कि अगर आपके पास 1 साल का मुर्गा है तो उसके साथ जो आप मुर्गी लगाएं वो कम से कम 4 साल की हो। अब ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास ये मुर्गा है ब्लैक, ठीक है, इसकी एज 1 साल 2-3 महीने है, ठीक है। अब इसके साथ जो मुर्गी मैंने लगाई हुई है वो देख सकते हैं वो 4 साल की है, 2 कालियाँ मादियाँ मैंने लगाई हुई हैं, दोनों 4 साल प्लस की हैं, ठीक है, 3.5-3 साल से ऊपर की हैं वो दोनों मादियाँ, 4 साल के एज में वो स्टार्ट हो गई हैं। अभी देख सकते हैं ये कुरीज़ कर रही है मादी,
तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं कि इन दोनों में मेल और फीमेल में एक की उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह आपको जो ब्रीड मिलेगी वो बच्चे भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। इस तरह ये भी होगा कि आपके पास नस्ल भी आप जो आप चाहते हैं वो भी आ जाएगी और उसके साथ आपको अच्छी और सही ब्रीड भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको कोई ये बोले कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कुछ भी नहीं होता, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा होता है। अगर आप छोटे पट्ठों से ब्रीड लेते हैं तो उनकी ब्रीड में और जो मज़बूत और बड़ी एज की उम्र पक्के मुर्गे होते हैं उनकी ब्रीड में फ़र्क होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम मुर्गियों की बात करें तो मुर्गी के लिए आप कोशिश करें कि कम अज़ कम आपकी मुर्गी पहली झोल जो होती है वो कभी भी आप जो पहला क्लच मुर्गी अंडों का देती है वो अंडे आप खा लिया करें, ज़ाया कर दिया करें, ठीक है। उनमें से कोशिश ना करा करें कि उन अंडों को आप रखने की, वो फिर वो आपको वो मज़ा नहीं होता जो एक पुरानी मुर्गी के बच्चों का होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें पहला क्लच जाने दिया करें, उसके बाद जो अगला क्लच आता है उसमें आप ज़रूर ब्रीड लें, वो बच्चे आप पालें भी तो वो आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर आप करवा रहे हैं एक बड़ा मुर्गा एक छोटी मुर्गी या एक छोटा मुर्गा और बड़ी मुर्गी, तो उसमें आपका ये मसला हल हो जाता है। तो आप कोशिश करा करें इसी तरह के या तो दोनों मुर्गे एक दो साल प्लस दो साल और फीमेल डेढ़ साल कम से कम या डेढ़ साल से ऊपर की हो जाए तो बहुत अच्छी आपके पास ब्रीड आएगी। बहुत ज़्यादा बड़ी एज के मुर्गे या मुर्गी लगाने से भी इतनी अच्छी ब्रीड नहीं आती। तो कोशिश करा करें जब मुर्गा जवान होता है सही तरह दो साल ढाई साल का, उसमें जो आपके पास ब्रीड आएगी तो वो सबसे ज़्यादा मज़े की ब्रीड और सबसे ज़्यादा अच्छी ब्रीड कहलाती है। तो लाजमी बताएं दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। पेयर ये देखें जी, ये मैंने पेयरिंग की हुई है, इसका भी बताएं ये आपको पेयर कैसा लगा। इसके साथ एक और मादी है वो अभी इधर से निकल गई थी तो मैंने कहा चलो ये दो ही खड़े हैं तो इन्हीं की बना देता हूँ। तो लाजमी बताएं ये माशाल्लाह ये मेरा मुश्कों का पेयर है। तो लाजमी बताएं, फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट्स में अपनी राय दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, बर्ड्स आपको कैसे लगे हैं। तो अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दुआओं में याद रखें दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।